सभी पत्रकार साथियों को मेरी नमस्कार और राम राम। बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिलके और बिग बॉस के घर में जो 33 दिन का मेरा सफ़र रहा उसके बारे में मैं आज खुलकर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। बड़ी इच्छा थी, जो चीज़ें मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो घर में हुई थी वहाँ नहीं बता पाई, उन चीज़ों का जिक्र मैं यहाँ करने वाली हूँ। और बहुत खुल के चाहती हूँ कि आपसे बातचीत करूँ, घर के बारे में बताओ, कुछ अपने बारे में भी बताओ। तो हम लोग शुरू करते हैं। जी जी, पहले मैं एक मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और बहुत छोटी उम्र में 17 साल में मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद जो परिवार मुझे मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हूँ और एक्टिंग लाइन में भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि कुछ सालों तक घर से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हरियाणा में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं जाने का अवसर देते, लेकिन मेरे कुछ साल तक मनाने के बाद मुझे वो अवसर मिला और मैं पिछले 12 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में नेशनल स्तर पे मैंने कई पदों पे रह के पार्टी के लिए काम किया है, जिम्मेदारियां निभाई हैं, और उसी के चलते मैं आज हरियाणा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा। और मैंने हरियाणा की हॉट सीट जो कि सीएम जहां से 3 बार रहे भजन लाल जी, उनके बेटे के सामने 2019 में अभी चुनाव लड़ा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा 35,000 की संख्या में वोट प्राप्त किए। और हरियाणा में की राजनीति में गूगल पे सर्च की जाने वाली सबसे बड़ी पर्सनैलिटी पॉलिटिशियन गूगल पे मैं 2019 में रही हूँ। और उसके बाद जैसे मुझे बिग बॉस से मुझे निमंत्रण आया तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं आई भी, बड़ी खुशी के साथ आई। तो पीछे का जो मेरा सफ़र था, कुछ राजनीति के साथ साथ मैंने एक्टिंग लाइन में भी काम किया। जैसे मैं दूरदर्शन हरियाणा में 3 साल के लिए एंकर रही एक हिंदी कार्यक्रम की, और मैंने 3 फिल्में भी की हैं, जिसमें एक फिल्म जिमी शेरगिल के ऑपोजिट मैंने काम किया, दूसरी में मैंने रवि किशन के, और एक हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में सतीश कौशिक जी के डायरेक्शन में मैंने काम किया। और जी टीवी के 2 शो भी किए मैंने, अम्मा और टशने इश्क में थोड़ा काम किया। तो ये सब चीज़ें साथ साथ मेरा एक्टिंग करियर भी चल रहा था और राजनीति भी चल रही थी, वो आज भी कंटिन्यू है, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं टिकटॉक से राजनीति में आ गई, कि मैं टिकटॉक स्टार रही तो राजनीति में मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा था, जो मैं मेरे मन की जो इच्छाएं थी, गाना गाने का शौक़ रखती हूँ, डांस करने का शौक़ रखती हूँ, वो टिकटॉक के माध्यम से मैंने अपने आप को वहाँ पर दिखाने के लिए या अपने आप को इंजॉय करने के लिए वो सब चीज़ें की। और अब जब बिग बॉस के घर में मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझे जो जीवन में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा वो चीज़ें मुझे मैंने वहाँ दिखाई भी दी और मुझे कुछ सीखने को भी मिला। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे एक मजबूती भी मिली शो में जाने से। और शो के बारे में अलग अलग तरह की अफवाहें हमने सुनी थी कि पहले से प्लान होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग दुनिया से आई हूँ, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट जगत के लोग हैं वो तो वाकिफ हैं इन चीज़ों से, लेकिन हमारे जैसे लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं थी। हम विश्वास करते थे कि शो में ऐसा होता है कि किसी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या किसी के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें हैं, क्योंकि शो में सब एक बराबर हैं और वहाँ पे सिर्फ आपको घर के अंदर ले जाके छोड़ दिया जाता है, बाकी आपको ही करना होता है कुछ। और जैसे कि आपका पहला सवाल मेरे से ये है कि जब प्रेस के दौरान वहाँ पे मैं खुल के नहीं बता पाई वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उस दिन एक टास्क मिला था कि न्यूज़पेपर में जो पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर है बाहर के लोगों के बीच में कौन होगा, तो वहाँ पे डिस्कशन जो हुआ उसमें
सबसे पहले रुबीना जी हर टास्क की फाइल पढ़ती है, जैसे उनको काम दिया जाता है, सब लोग उनको मानते भी कि हाँ चलो अच्छा पढ़ती है, हिंदी और इंग्लिश उनकी काफ़ी अच्छी है, तो उस वजह से उनको टास्क फाइल पढ़ने को दी जाती है। तो उस समय जैसे मेरा जिक्र आया पाँच नंबर पे, राखी ने कहा कि दीदी को होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि वो हमारे फील्ड से नहीं है तो वो क्या उनकी चर्चा नहीं हो रही होगी, या उनकी उनकी चर्चा तो इस विषय भी हो रही होगी कि एक पॉलिटिशियन है और बिग बॉस के घर में एंटर किया है तो उसी से वो सुर्खियों में आई होंगी, तो उनको पाँच नंबर से मेरे से पहले मेरे ख्याल से रहना चाहिए। उसके बाद राहुल और अली ने मुझे सपोर्ट किया इसमें, लेकिन रुबीना जी के द्वारा इसको इग्नोर कर दिया गया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते इनकी चर्चा हो रही होगी क्योंकि ये बहुत लास्ट में आई हैं और बाकी लोगों की ज़्यादा चर्चाएँ रही होंगी क्योंकि चार महीने से सब चल रहा है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ मैंने बोला नहीं, मुझे लगा कि चलिए ठीक है ये लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं तो इनको इनकी तस्वीरें यहाँ पे लगनी चाहिए, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन बिग बॉस हमेशा ये कहते हैं कि टास्क को पूरा करें, वो टास्क पूरा नहीं हो पाया, लेकिन काम्या जी जब वहाँ पहुँची, आप पत्रकारों ने बातचीत की, उसके बाद फिर उस टास्क को पूरा करने के लिए काम्या जी ने बोला, क्योंकि बिग बॉस ने आदेश किया था कि इसको पूरा करें, 9 लोगों की तस्वीरें थी, 10वां सिर्फ मैं बची थी, तो मेरा फ़ोटो कहाँ लगना चाहिए, काम्या जी ने ये कहा। तो उसमें फिर सब लोग उठ खड़े हुए, अर्शी खान ने सिर्फ बोला कि सोनाली जी को होना चाहिए इनमें से किसी एक जगह पे, आप इनके बारे में हम अपनी राय देना चाहते हैं, लेकिन उसमें किसी की सुनी नहीं गई क्योंकि रुबीना जी ने फिर से घुमा दिया मुद्दे को और उसको वहीं क्लोज कर दिया। तो मैं मेरा ये सोचना है कि काम्या जी को उस बात पे जोर देना चाहिए था कि इस टास्क को जब मुझे दिया गया है ये कार्यक्रम तो इस टास्क को मैं पूरा करूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे इग्नोर किया गया। और दूसरा मुझसे सवाल पूछे गए, उसमें 3 सवाल थे, शायद खाना फेंकने वाली बात है एक, और उसमें मुझे क्लियर नहीं करने दिया गया, जिसमें रुबीना जी, अर्शी खान ये लोग पीछे से बोलने लगे। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, मैं जब तक शो में रही जब 2 लोग या 3 लोग बोल रहे होते थे मैंने बीच में कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। आप शो पीछे कभी भी देख सकते हैं, जब वो लोग बोल के अपनी बात ख़त्म कर देते थे तब मैं पूछती थी क्या मैं अपनी राय दूं या मैं अपनी राय रख सकती हूं, मैं हमेशा ये पूछती थी क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से ये नियम बनाए हुए हैं, हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं हमें सिखाया गया है कि हमें अपनी जो राय है वो बताने के लिए भी पूछना चाहिए कम से कम, तो मेरा ये नियम है, सिद्धांत है, तो उसको मैंने फॉलो किया। तो वहाँ पर जैसे मुझे अगर बोलने का अवसर मुझे ही मिला था तो उसमें रुबीना जी और अर्शी खान को बीच में नहीं कूदना चाहिए था, मुझे वहाँ पे मेरी बात को क्लियर नहीं करने दिया गया, जो रोटी वाला मामला था, जो डस्टबिन की बात थी, अगर आप लोग उसमें खुल के जानना चाहते हैं तो एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ। उसमें हुआ ऐसे कि वहाँ पे खाना जो था हमेशा अच्छे से राशन आता, सब ठीक ठाक था, लेकिन लास्ट में कैप्टनसी का जो टास्क था उसको ख़त्म ही कर दिया गया कि कैप्टनसी के लिए अभी कोई टास्क नहीं होगा, अब खाने के लिए होगा, आपको खाना तभी मिलेगा जब आप टास्क पूरा करेंगे, नहीं तो आपको लिमिट में कुछ चीज़ें दी जाएंगी और उन्हीं में आपको गुजर बसर करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा आटा रखा हुआ था सुबह के लिए भी, रात में सबके लिए एक एक रोटी बननी थी, और मैं हमेशा दाल चावल नहीं खाती थी क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ दाल चावल कम खाए जाते हैं, वहाँ रोटी सब्ज़ी खाई जाती है, लस्सी दूध ज़्यादा लिया जाता है, तो वो मैंने कहा कि मेरे मैं दोपहर को एक रोटी खाई थी तो मुझे भूख लगी है मैं बना लेती हूँ, मैंने अली, राहुल और इन लोगों से जो मेरे दोस्त थे मैंने कहा, तो उन लोगों ने कहा बना लो आप खा लो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर हर कोई पहले जैसे अर्शी खान रात में सबके सोने के बाद अपना खाना बनाती थी, विकास भी अलग से अपना खाना हमेशा अलग से बनाता है, और मुझे लगा कि मुझे भी जिसकी ड्यूटी है कोई बात नहीं, एक रोटी मैं अपनी बना लूँगी, तो उसमें मैंने उस दिन रोटी बनाई, और जैसे ही अर्शी खान की ड्यूटी थी रात में डिनर बनाने की, उसने मुझे रोटी बनाते हुए जैसे ही देखा तो वो बहुत ज़्यादा तिल मिला गई और मेरे ऊपर चढ़ गई पूरी तरह से, कि मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि ये लड़की मुझे दोस्त मानती है, मैं इसको दोस्त मानती हूँ, एक बेड पे सोते हैं, तो इसने मेरे साथ मुझे हर्ट किया, इसने एक रोटी के लिए, तो दुख होना स्टार्ट हो गया था मुझे, क्योंकि जो भी बंदा या जो इंसान हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं, कोई किसी से जुड़ता है,
अगर मुझे पानी चाहिए, मुझे अगर कोई इंसान किसी के साथ जुड़ा है, अगर वो भावुक है, अगर वो अच्छा इंसान है, तो उसके आंसू ज़रूर निकलते हैं। अगर किसी के लिए दिल में दर्द नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वो नहीं रोता कभी भी। जो कठोर होता है वो कभी नहीं रोता। तो मैं खाना खाते खाते मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोने लग गई थी। एक पराठे की एक बाइट बची थी, जो राखी ने मुझे पराठा दिया था कि दीदी आप खा लो और सुबह मुझे इसके बदले पराठा दे देना। तो वो उसके बदले में मैं पराठा वो खा रही थी, रोटी मैं अपनी ख़त्म कर चुकी थी। तो उसको मैंने ले जाके और उस प्लेट को साफ़ करने के लिए उसमें डाला था, क्योंकि घर में नियम बना था कि जो भी खाना अपना ख़त्म करेगा, चाहे उसमें कुछ भी बचे, डस्टबिन में क्लीन करके पानी से साफ़ करके प्लेट रखेगा, ताकि बर्तन साफ़ करने वाले को गंदगी महसूस ना हो। ये घर में नियम बनाया गया था। हम जब बाहर होते हैं या अपने घरों में होते हैं, हम गाय को रोटी खिला देते हैं, बचा हुआ खाना होता है हम जानवरों को खिलाते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में एक खाने के लिए डस्टबिन बना था, खाने के लिए, जिसमें हम अपना जो खाना होता है बचा हुआ वो डालते हैं। वहाँ गाय भैंस नहीं बनती है जिसको मैं खिला देती। मेरे संस्कार नहीं है कि मैं कूड़े में खाना डालूं। मुझे वो डस्टबिन था, शुरू से बताया गया था ये डस्टबिन है गीला, इसमें जो हमारा झूठा खाना बचता है वो हम इसमें डालते हैं और ये बाहर चला जाता है। तो वो रिस्पेक्ट के साथ होता है उसमें, उसमें खाना हर कोई डालता था। मैंने देखा हर किसी ने अपनी प्लेट साफ़ करके उसमें डाली है। अर्शी खान ने 3-3 दिन अपने पराठे फ्रिज में, थाली में मटन भी रखा है, रोटी भी रखी है, चावल भी रखा है, वो सारा डाला उसमें और फिर उसको प्लेट को साफ़ किया कि मेरी प्लेट है, मैं साफ करके रख रही हूँ। रूबीना ने 15 रोटियां मेरे सामने डाली है डस्टबिन में, तब खाने का मान नहीं हुआ था। इस चीज़ को मुझे क्लियर नहीं करने दिया गया। वो डस्टबिन सिर्फ उसी के लिए था। उस डस्टबिन में जो हमारा झूठा खाना या वेस्ट अनाज था वो चला जाता था, वो उसके लिए था। तो इसमें मैं कहाँ मैंने खाने का अपमान किया, कहाँ मैं खाने का अपमान करने के लिए ज़िम्मेदार हूँ? आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। मुझे टारगेट किया गया, मुझे रूबीना जी के द्वारा, निक्की के द्वारा। निक्की कैसे आई? निक्की को उस समय टास्क मिला हुआ था लाइव रहने का 1 घंटा, आप लोगों ने देखा होगा। निक्की वो कर रही थी, निक्की को पॉइंट चाहिए थे क्योंकि वो कुछ खास कर नहीं पा रही थी। उसको बीच में जैसे अर्शी खान ने उकसाया, अर्शी ने कहा रूबीना जी देखो खाना वेस्ट कर दिया, खाना है नहीं। अरे तू मुझे रुलाती नहीं तो वो एक बाइट मेरे पेट में जाता ना, मैं किसी को नहीं देती वो, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं दाल चावल नहीं खाती हूँ, मैं अपनी रोटी और पराठा मैंने ही खाना था, मैं किसी को बिल्कुल नहीं देती। मैंने खाने का अपमान नहीं किया। मेरा जो हलक से नहीं नीचे उतरा रोते समय, वो मैंने अपना नियम पूरा किया था वहाँ पे, जो नियम बिग बॉस ने बनाए हैं, जो प्लेट को साफ़ करने वाला, वो मकसद था, ना कि खाने का अपमान। वो बाइट रूबीना जी मुझे बार बार कह रही थी वो मैं खा लेती। रूबीना जी जो ढंग से किसी से बात नहीं करती, वो खा कैसे लेती? उनके अंदर इतना घमंड है, वो कैसे खा लेती? उन्होंने उस दिन क्यों नहीं खाया जब निक्की ने अपना झूठा खाने का बॉक्स, जो वीकेंड पे बाहर से मंगवाया जाता है खाना, वो बचा था, वो क्यों नहीं सेव करके रखा? वो खा लेती। जब मैंने निक्की को सुबह से मैं कह रही थी निक्की ये जो वेस्ट खाना है इसको उठा लो, तो निक्की ने मेरे से उसके लिए कि झगड़ा हो मैं कुछ करूं, क्योंकि सलमान जी ने वीकेंड का वार चल रहा था, उसका शूट चल रहा था, जब सलमान जी ने निक्की को समझाया कि निक्की तुम कुछ कर नहीं पा रही हो, तुम बोरिंग हो चुकी हो, तो निक्की ने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं इस औरत को टारगेट करूँगी। निक्की ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था दूसरे हफ्ते पे ही, और उसने अपना जो खाने का बॉक्स था वो मेरे बेड के साथ में रखा। हर किसी को अपना अपना बेड मिला हुआ था, निक्की को मेरे से दूर बेड मिला हुआ था। वो चाहती तो किसी और के बेड के पास रख सकती थी, वो चाहती तो किचन एरिया में रख सकती थी, लेकिन उसको मुझसे झगड़ा चाहिए था। और मैंने कहा भाई मैं जहाँ पे सोती हूँ वहाँ मैं अपनी चप्पलें खोलूँगी और वहीं बैग खाना पड़ा है, तो मेरे चप्पल के साथ खाना पड़ा है, मैं कैसे सहन करूँगी? और मैं रात में सोऊँगी तो वो खाना स्मेल करेगा। तो उसके लिए मैंने बार बार निक्की को कहा, और अगर निक्की मेरे साथ अच्छी होती तो मैं खाना खुद उठा के रख देती,
लेकिन निक्की मेरे साथ अच्छी नहीं थी। वो मुझे बार बार कहती थी, घटिया औरत, ऊशी कहाँ से आई है, क्या करने आई है शो में, इसको बाहर निकालो। बार बार निक्की के यही शब्द मेरे लिए होते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो मेरे साथ वहाँ पे भेदभाव बहुत हुआ, मैं अकेली पड़ गई थी बिल्कुल। रुबीना जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया पहले, के उन्होंने कहा भी, सोनाली जी आप बहुत अच्छी हैं, ये लोग आपको ख़राब कर देंगे, इनकी बातों में मत आना। लेकिन रुबीना जी ने ही बाद में मुझे टारगेट बनाया, जिनको रुबीना जी को मैं बाहर से देख के गई थी शो में कि बहुत अच्छी महिला है, और रुबीना जी ही मुझे लगता है कि आगे तक जाएंगी, शो जीतेगी। लेकिन रुबीना जी ने 2 हफ्ते के बाद मुझे टारगेट करना शुरू किया, रोटी वाला मामला हो, चाहे वो मेरा नाम फाड़ने वाला मामला हो, वो बीच में आई उसमें भी, हर काम में वो बीच में आई, जबकि उनके आने का कोई मतलब ही नहीं था उसमें। और निक्की ने भी मेरे साथ किया, तो पूरी तरह से मेरे साथ भेदभाव हुआ शो में, और मुझे हर्ट किया गया काफ़ी, और मुझे परेशानियां हुई काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। और जाते ही मैं सबके साथ इतना जुड़ गई थी, 2 हफ्ते तक मुझे ऐसे लगा था कि सब मेरा परिवार है, और जैसे मैं घर पे रहती हूँ, मेरे घर के लोग हैं, और उनसे मुझे प्यार मिला, और मैंने भी उनको बहुत प्यार दिया, और सबके लिए अगर मुझे किसी के बारे में दुख हुआ तो मेरे आंसू भी निकले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, और भी कई किस्से हैं जो आप लोगों ने देखे हैं, जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप उनमें से कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ धमकी वाली बात को। आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं और ना ही दिखाया कि मैंने किसको धमकी दी, क्योंकि मैंने धमकी दी नहीं है, उस बात को बनाया गया है। धमकी का वाला मामला मैं बताती हूँ। हाँ, किसको, हाँ किसको कहा मैंने, किसको कहा मुझे बता दें। हाँ हाँ, ये किसको कही थी मैंने बात, मेरे पीछे खड़े थे आपने, मैं बताती हूँ, अब मैं बताती हूँ, इस बात को क्लियर करती हूँ आज। इसीलिए मैंने आप लोगों से मिलने की चाह जताई थी कि मैं इस बात को क्लियर करूँ, क्योंकि देखिए मैं जिस फील्ड से आती हूँ वहाँ समाज सेवा की भावना रहती है हमेशा ही, सबको जोड़ के रखने की बात रहती है, ना कि तोड़ के रखने की। तो जब मैं शो में आई तो उस समय वीकेंड पे सलमान जी का बर्थडे आ रहा था, और उसके शूट की तैयारियाँ हो रही थी, सबको गाने मिले परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। एजाज जी भी मेरे साथ थे, एजाज जी को डायलॉग मिला, तो मैंने एजाज जी को बोला, एजाज जी मैं सलमान जी को इतना पसंद करती हूँ, उन्हीं के लिए मैं शो में आई हूँ, और उन्हीं के गानों पे सबको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने बिग बॉस को कहा, और मुझे गुस्सा आया और मुझे दुख हुआ, तो मैंने कहा बाहर मेरे लोग हैं, वो देख रहे हैं, और आप इस देश में एक चैनल चला रहे हो, इस देश में ये शो चला रहे हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। मेरे साथ आप लोगों ने भेदभाव किया, इनको सबको दे दिया ना, इनको गाना दिया, ये परफॉर्म करेंगे, सलमान जी का बर्थडे मैं क्यों नहीं करूँगी। और मेरी जो टीम है बाहर से आपसे सवाल पूछेगी, वो उस समय की बात है, वो ये बात थी जो मैं आज क्लियर कर रही हूँ। मेरे पीछे अभिनव खड़ा था, अभिनव ने मुझे फिर कहा भी, सोनाल जी आप क्या कह रही हैं, शो को कह रही हैं आप। मैंने कहा हाँ कह रही हूँ, मेरे साथ भेदभाव हुआ है तो कह रही हूँ ना मैं, और मेरा हक बनता है, मैं शो में आई हूँ। और जहाँ हमेशा कहा जाता है कि शो में भेदभाव नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ बैठते ही आपको कहा ना कि शो बहुत अच्छा है, भेदभाव नहीं होता शो में, शो के लोग नहीं करते हैं वो, इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। जब मैंने ये बात कही उनको, मुझे हर्ट हुआ, तो दूसरे दिन जब शूट हुआ तब सलमान जी ने या क्रिएटिव जो थे या शो मेकर जो हैं उन्होंने इस बात को समझा, और उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस का मौका दिया, उस चीज़ को क्लियर किया, वो बातें वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन अभिनव जी ने, जब निक्की और मेरा रुबीना जी से झगड़ा शुरू हुआ, अभिनव जी ने उस बात को मोड़ दिया। अभिनव जी काफ़ी गहराई से सोचते हैं, और उन्होंने सोच के प्लान बनाया कि उस बात को मैं कैसे घुमा सकता हूँ। तब अभिनव जी ने कहा कि इसने तो शो को भी धमकी दी थी, ये धमकियाँ देती है सबको कि मैं बाहर देख लूँगी, मेरे बंदे देख लेंगे। मैंने कहा ज़रूर था, लेकिन ये वो बात नहीं थी कि मेरे बंदे आपको देख के मार डालेंगे, कुछ कर देंगे, ये वो चीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही कभी हो सकती, ना मैं कभी कह सकती ये चीज़ें। तो ये अभिनव जी का प्लान था, और अभिनव जी ने ये कहा। फिर किचन एरिया में निक्की भी मेरे साथ इस बात से भिड़ी कि तुम ये कहती रहती हो घटिया औरत, मेरे बंदे देख लेंगे, बंदे मेरे भी है तुम्हें देख लेंगे, निक्की ने ये बात कही। फिर अली और राहुल मेरे पास में खड़े थे, फिर मैंने कहा
मैं रोने भी लगी थी इस बात में। मैंने कहा अली मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे बंदे देख लेंगे, ये लोग क्यों कह रहे हैं बार बार मुझे, अभिनव क्यों कह रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैम क्या पता आपने कह दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहा। तो अली ने मुझे कहा अब इनको बोलो कि नहीं कहा था लेकिन अब कह रही हूँ। तो मैंने गुस्से में बोला अब तक तो नहीं कहा, ठीक है कह रही हूँ, अली के मजाकिया उसमें लहजे में कहा था। और वो बात उनके बार 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 मुझे मेंटली टॉर्चर करने के बाद ये हुई थी कि हाँ तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा ये बात, आज मैं क्लियर कर रही हूँ। आप शो पूरा एपिसोड उठा के देखिए, मैंने किसी को सामने ऐसे कोई खड़ा है चाहे निक्की या रूबीना है कि मेरे बंदे तुझे देख ले, ऐसे कभी नहीं हुआ, आपके सामने कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कहा ही नहीं था। इस शायद आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है या फिर आप दिख नहीं रही है, तो उसकी वजह क्या रही कि शुरू में ऐसा नहीं हुआ और बाद में हुआ? शुरू में देखिए मेरी स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा बात होती थी अभिनव जी से, जब मैं बैठती थी तो अभिनव जी मुझे कहते थे जो जिसकी पर्सनैलिटी होती है वो वही दिखाता है, तो सोनाली जी आप इनके चक्कर में मत आ जाना, झगड़ा वगड़ा मत करना, आप झगड़े वाली नहीं हो, आप सबको मतलब सबसे प्यार करती हो, सबके साथ अच्छा आपका बर्ताव है। तो मैंने यही कहा मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं और सब कितना रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, मैं किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकती। तो मुझे 2 हफ्ते मुझे समझने में लगे, और उसमें वीकेंड पे जैसे सलमान जी आए तो मैंने पूछा भी जो मेरे मन में होता है मैं कह देती हूँ अगले को। तो मुझे लगा सलमान जी, मैंने कहा आप तो मेरा नाम तो लेते ही नहीं हो, दूसरी बार हो गया। तो उन्होंने ये बात क्लियर भी की कि आप अच्छा जा रही हैं, आप कुछ गलत करेंगी तो मैं कह दूंगा, आप गलत करेंगी तब मैं कह दूंगा। और उससे नेक्स्ट वीकेंड पे जब मेरा और रूबीना का जो झगड़ा हुआ था उसमें उन्होंने मुझे बताई भी ये बात और मैंने माना भी उसको, लेकिन वो जो बात थी मैंने रूबीना को गाली नहीं दी थी क्योंकि मेरा जिसने नाम फाड़ा था मैं उसको उगलवाना चाहती थी कि किसने फाड़ा, और मुझे पता था निक्की ने फाड़ा है, वो चिल्ला के आएगी फिर मैं उसे बोलूँगी भाई मेरे सामने फाड़ती तो मैं उसका जवाब देती, मेरी पीठ के पीछे तुम ये करते हो, कभी मेरा फ़ोटो फाड़ के फेंकते हो, कभी मेरा नाम फाड़ते हो। तो ये चीज़ें उसमें ऐसा था कि निक्की बार बार जैसे अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए या शो में टिके रहने के लिए, पहले रूबीना के साथ नहीं थी, आज रूबीना के साथ खड़ी है, तो उसमें रूबीना को भी कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक साथी की ज़रूरत है, अभिनव के साथ साथ निक्की और आती है तो वो स्ट्रांग होती है। तो निक्की के फेवर में बोलने के लिए, निक्की को प्रूव करने के लिए ये बात कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो रूबीना मुझ पे चिल्लाई और कहा कि हाँ मैंने फाड़ा है, मुझे पता था उसने नहीं फाड़ा है। तो ये चीज़ें, और आज तक क्या शो में किसी ने गाली नहीं दी है क्या? अगर हम किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं तो फूल थोड़े ना बरसते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, किसी का नाम तोड़ा जाएगा, हम उसका जवाब तो देते हैं ना। मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि चुपचाप रो के हर चीज़ सुन लूँ, अगर अन्याय होता है तो उसका जवाब मुझे देना ही है। अगर घर वाले मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं अच्छा बर्ताव करूँगी। और जिस दिन उन्होंने मेरे साथ शुरू किसने किया? निक्की ने, फोटो फाड़ने को लेके। तो सलमान जी के कहने से मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मेरे साथ मैं टारगेट हुई उनकी, मेरे साथ करना शुरू किया उन लोगों ने, ये उसका जवाब था, ना कि सलमान जी के कहने पे। ये आप लोगों ने भी नहीं लगा, राहुल वैद्य से बेस्ट नहीं लगा, ये दो लोग इतने स्ट्रॉन्ग मुझे लगे। और मैंने घर के अंदर फिर जाके मैंने जैसे एजाज को मैं बहुत बुरा मानती थी जाने से पहले कि ये क्या बंदा है, अजीब है, हर जगह मतलब मुंह फाड़ के चिल्लाता रहता है और हर जगह झगड़े में घुस जाता है और फिर अलग बैठा रहता है। तो उसका जो बर्ताव था मुझे बहुत ही मतलब ख़राब लगता था। और मैंने जब मैं घर के अंदर गई तो सब चीज़ें उल्टी हो गई थी, मैंने जब उनको सामने से जाना, क्योंकि 24 घंटे जो चलता है उसका 1.5 घंटे में जो दिखता है वो अलग है आप लोगों के सामने, मेरी भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई गई, मैंने सिद्धांतों के साथ उस शो में खेला है, जो भी खेला है अपने आप को दिखाया है, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से आई है, मेरी जो एक दो गलतियां थी उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो मैं शो में जब गई हूँ तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रूबीना जी मेरी फेवरेट हमेशा रही हैं, और मेरे घर पे भी सब जैसे मेरी मदर उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन आज जब मैंने उनसे पूछा आने के बाद तो मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती उनको। तो मैंने मेरी माँ को समझाया भी, मैंने कहा शो में रहने के लिए रूबीना जी ये कर रही है, बाकी वो अच्छी है। तो जब लेकिन एक तरफ वो संस्कारों की नियमों की दुहाई देती है, वहीं दूसरी तरफ अपने गेम में आगे बढ़ने के लिए वो अपने संस्कार और नियम ताक पे रख देती है, वो साइड में कर देती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने उनकी छवि हमेशा एक अच्छी महिला की पर्दे पे भी देखी है
और मैंने बाहर भी यही महसूस किया था कि वो ऐसी है, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो इस शो के लिए ही बनी है। रूबीना जी के बारे में कहूँगी, वो इस शो के लिए बनी है। वो ऐसी महिला है, वो इतनी चतुर है, बहुत चतुर महिला है वो। और जब कहीं फरेब करना हो तो तुरंत फरेब करती है, पता भी नहीं चलने देती। बाद में समझ में आता है, अरे ये इतना बड़ा फरेब कर गई आपके साथ। तो वो शो में टिकने के लिए उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता रूबीना से बेस्ट कोई हो सकता। और मुझे आज लगता है कि उस ट्रॉफी की असली हकदार वही है, ऐसे शो के लिए वही बनी है, हमारे जैसे लोग नहीं बने हैं। दूसरा, राहुल को मैं स्ट्रॉन्ग मानती थी, लेकिन राहुल कहीं ना कहीं उसके फरेब के आगे दब जाता है। राहुल साफ़ सुथरे तरीके से खेलता, वो फरेब नहीं कर सकता। वो अपनी बात अच्छे ढंग से रखता है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बताता है, लेकिन ऐसे लोग शो में आगे नहीं बढ़ सकते। तो राहुल को मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि राहुल ट्रॉफी जीते, लेकिन मैं राहुल आज तुमसे कहना चाहती हूँ, राहुल तुम रूबीना के फरेब के आगे इतना भी नहीं चल पाओगे। और बाकी जैसे अली का है मैटर, अली बड़ा सोच समझ के खेलता है और अपना शारीरिक बल भी इस्तेमाल करता है, लेकिन रूबीना के फरेब के आगे कोई कुछ भी नहीं है। जो अभिनव को सारा दिन घुमाती, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया उसने अभिनव को, जिनका डाइवोर्स होने वाला था, वो लोग अलग हो चुके थे, फिर भी वो दोनों लोग साथ में आए और एक हर एक पल अभिनव जी ने रूबीना जी का साथ दिया है। उन्होंने अपने आप को पीछे किया है रूबीना जी को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने बार बार, जैसे मैं शो में गई, मैंने खुल के कहा अभिनव जी को, मैंने कहा अभिनव जी आप इतने अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा मैं आपको मानती हूँ। शुरू से मैंने जैसे आपको देखा है तो आप बहुत सबसे अच्छे व्यक्ति शो में आप नज़र आते हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तित्व है वो दब चुका है रूबीना जी के आगे। आप उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को खो चुके हो, और जब आप बाहर निकलोगे लोग आपको बहुत सुनाने वाले हैं और आपको सवालों की बौछार होगी, शायद आपको जीने भी ना देगी, जिस टाइप से कि जोरू का गुलाम है बहुत ज़्यादा ही करता है, ये इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो अपने आप को दिखाओ, थोड़ा सा अभी समय है, आप जाने वाले नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शो से के लोगों से भी रूबीना जी की बात हुई होगी कि मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा। तो उनकी वैसे भी मजबूती है इस शो में अभिनव जी की वजह से। तो अभिनव जी अभी आपको, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 हफ्ते से अपने आप को दिखाने लगे हैं और बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी भी झगड़े में पहले नहीं होते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि रूबीना जी मुझे लगती है कि वो आगे तक जाएगी, और क्यों ना जाए, जो वो इतने अच्छे ढंग से इतनी चतुराई से खेल रही है, जहाँ पे उनको किसी को लगता है कि इसको आउट करना, उसको टारगेट करती है, जैसे मुझे किया उन्होंने टारगेट, चाहे वो रोटी वाला मामला हो, उसमें तो कुछ नहीं है, खुद रोटी डाल रही है 15 रोटी, फिर मुझे कह रही है एक टुकड़ा डाल दिया तो उसको बात को इतना बड़ा बना दिया। मुझे कहती है अपना VIP पन अपने पास में रख, ये तेरा नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, मेरे को तो बड़े सिंपल तरीके से रहती हूँ, सबके साथ बड़े प्यार से रहती हूँ। मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं VIP हूँ या मैं पावरफुल महिला हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन रूबीना जी को मुझसे इनसिक्योरिटी हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं नियमों के साथ चलती थी। उन्हें लगता था कि मैं मेरी चतुराई से मैं ये लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं नियमों के साथ चलती हूँ, संस्कारों के साथ चलती हूँ। वो कहीं ना कहीं उसमें मैं रूबीना से आगे जा रही थी। रूबीना को लग रहा था कि इसको निकालना चाहिए हमें यहाँ से, तो उसने मुझे टारगेट किया और ये आपके सामने है ये चीज़ें। तो जी को कैसे सेफ रहे इतने दिनों तक, तो उससे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। अच्छा सोनाली जी, क्योंकि अब आप घर के बाहर हैं, हमारे बीच में आप, अब जो आने वाले दिनों में अब आप अपने पॉलिटिकल करियर पर ध्यान देंगी या फिर आप कोई फिल्में पर ध्यान देंगी, कोई म्यूजिक वीडियो, क्योंकि म्यूजिक वीडियो का बहुत ही ट्रेंड है, आप बताइए अब हमें किस अंदाज में, किस अवतार में दिखाई देंगी सोनाली? देखिए मैं शुरू से ही जैसे आपको बताया कि दोनों चीज़ें मेरी हमेशा साथ साथ चली हैं, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि राजनीति के साथ साथ इसको भी मैं कंटिन्यू करूँ। और अभी मुझे लगता है कि मुझे समय यहाँ देना चाहिए, इस फील्ड को थोड़ा ज़्यादा और देना चाहिए, क्योंकि जो मेरे मन के अंदर जो छुपा हुआ था, जिस तरह से मैंने सलमान जी को लेकर डांस की बात कही और उन्होंने मुझे हर वीकेंड पे अपने कानों पे डांस करवाया और उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने जैसे एजाज उनके साथ ग्रुप डांसर थे कई जगहों पे, विदेशों में जाके एजाज जी ने उनके साथ ग्रुप में डांस किया है,
तो उन्होंने एजाज जी को भी कहा कि अरे एजाज तुमने पानी तक नहीं मांगा, सोनाली जी ने डांस किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब बात है सलमान जी का कहना। तो मुझे लगता है कि जो मेरी प्रतिभा है और मुझे अपने आप पे जो मैं आज तक समाज सेवा से जुड़ी हूँ अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दे पाई, तो आप लोगों को मेरा लुक चेंज लग रहा होगा। तो मैंने अपना लुक कल मैं पार्लर गई, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं कल पार्लर भी गई हूँ, अपना लुक में थोड़ा चेंज किया है और मैं सच में करने वाली हूँ, अच्छा करने वाली हूँ। मैं जिम भी ज्वाइन करने वाली हूँ, अपना वेट थोड़ा कम करूँगी, अपने आप को और फिट करूँगी और इस फील्ड के लिए अच्छा काम करने वाली हूँ। और मुझे ऑफ़र भी आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि लोग मुझे कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। और जैसे हार्डी संधु जो गए थे तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि सोनाल जी आप बहुत खूबसूरत हैं, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी ठीक ठाक भी दिखती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत डांस भी आता है और मैं जैसे मुझे अच्छा काम मिला तो मैं वो सब करने वाली हूँ, छोड़ूंगी नहीं। अब सोनाली जी क्योंकि आप पॉलिटिकल में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि जहाँ से हम जुड़े हुए हैं और आज जहाँ मैं बैठी हूँ दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अगर मैं वहाँ होती तो इन सवालों का ज़रूर जवाब देती आपको, क्योंकि मेरी पार्टी की सरकार भी है और मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि वो किसके लिए क्या कर रहा है। लेकिन मैं दोनों ही चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में रही हूँ, मैंने 33 दिन और 10 दिन में क्वारंटाइन रही, मुझे कुछ पता आइडिया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि मेरे मुँह से कुछ ऐसी चीज़ें निकले। जब तक मैं चीज़ों को समझूंगी नहीं, मैं हरियाणा नहीं जाऊँगी, तो मैं तब तक मैं इन सवालों के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाली। बिल्कुल थी इच्छा और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं मेरी खूबियों से, जो मेरी अच्छाई है उनसे मैं लोगों का दिल जीत पाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस शो में लोग अच्छे लोगों को भी देखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़े पसंद करते हैं इस शो में, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं। और मुझे, मैं आज भी कहती हूँ इस शो में आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इस शो में मुझे बुलाया गया ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरा, अगर मैं, मेरी बेटी ने भी कुछ कहा था कि मम्मा आप सबसे प्यार से रहते हो, कोई कुछ कहता है तो दुखी हो जाते हो, आप एक हफ्ता ही रहोगे। और उसने कहा भी आने के बाद कि मम्मा आप बहुत स्ट्रांग हो, आप तो 33 दिन रहे हो तो ये आपकी उपलब्धि है। इसमें मतलब मुझे खुशी मिल रही है कि मैं 33 दिन बिग बॉस के घर में रह के आई हूँ।